Hello everyone, I'm Akanksha, welcoming you all to SP Education. And in this video, we are going to discuss the question answers of a grain as big as a hen's egg. So previously, I have discussed the entire chapter. If you have seen this video, you will check it out. Now, today we are going to discuss the question answers. So without any further delay, let's begin with question number one. What did the children find the ravine? So, say pila mane ravine re, kon paile? The children found in the ravine a thing shaped like a grain of corn with a groove down in the middle which was as large as a hen's egg. So kichi pila jetebale ravine pakhre, ravine ortho hochi gote sankirna sthano ba upatyakare thiba sankirna sthano ku ravine boli kuha jae. Jetebale khelutile ta pakhre semane gote grain of corn mane gote sasyara dana paile joda ki with a groove down in the middle jemti gohomaro ame majhire gote kota daga thai sei bhale bhabre semane paile taku which was as large as a hen's egg. जोटा कि गोटे कुकुड़ा अंडा साइज रहा. हाउ डिड द वाइज मैन नो दैट वाज अ ग्रेन ऑफ कॉर्न. ज्ञानी लोक मैंने किभली जानले जे ताहा गोटे शस्यर दाना थिला बोली. व्हेन द ग्रेन वाज लाइंग ऑन द विंडो सिल जते बेले से ग्रेन टी को विंडो सिल ऊपर रखा जायतिला. विंडो सिल अर्थ होची एते झरकाटा थिबो त तळ पोर्शन टा को कहा जाय विंडो सिल. ए हेन फ्लू इन गोटे कुकुड़ा उड़े के आसिला एंड पेक्ड एट इट टिल शी मेड अ होल इन इट. तापरे ताको खुंपीवा को लागिले से ग्रेन ऑफ कॉर्न को जेते जाए ता भितर से उडे होल न बने दिछि माने उडे कोना बा उडे गात न बने दिछि. एंड देन एवरीवन गॉट टू नो दैट इट वाज अ ग्रेन ऑफ कॉर्न. तापर समस्त जानि गले जेहा गुटे शस्यर दाना बोली. व्हाट डिड द किंग डू टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रेन. से ग्रेन विषय रे बा से शस्य विषय रे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिया पई राजा कोन करथिले. द किंग ऑर्डर्ड द लर्नड मेन टू फाइंड आउट व्हेन एंड वेयर सच कॉर्न हैड ग्रोन. तो राजा तंको लर्नड मैन माने तंको ज्ञानी लोक मन को आदेश देले टू फाइंड आउट खोजिवा पई जे एत्ते बड़ कॉर्न केबे आउ कोठी ग्रो करा जाउथिला. कुड द लर्नड मैन फाइंड आउट द आंसर. से ज्ञानी लोक माने ए प्रश्न उत्तर पाइले कि व्हाट वाज देयर सजेशन तंकर उत्तर कोन थिला. नो द लर्नड मैन थॉट एंड सर्चड बट कुड नॉट फाइंड आंसर. तो से जो लर्नड मैन माने ज्ञानी लोक माने बहुत चिंता कले इवन से माने तंको बही रे मधे खोजिले बट से माने ए प्रश्न उत्तर किछि पाई परिले नहीं. द सजेस्टेड दैट द किंग कुड गेट द आंसर फ्रॉम द पीजेंट. से माने राजा को सजेस्ट करथिले जे आपण ए प्रश्न उत्तर कृषक मान को पाखरु पाई परिबे. नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट वाज द किंग्स क्वेश्चन टू द ओल्ड पीजेंट हु केम फर्स्ट. सो जो ओल्ड पीजेंट जो वृद्ध कृषक प्रथमे आसीथिले राजांकर तांको प्रति प्रश्न कोन थिला बा राजा को प्रश्न पचारथिले. The king asked the old peasant from where such grains have grown. राजा तंको पचार थिले से ओल्ड पीजेंट को जे एभोरिया साइज रो ग्रेन आपण जानंती कि जे एभोरिया साइज रो ग्रेन केउठारे ग्रो करा जाउथिला. एंड हैड ही एवर बॉट और शोन सच इन हिज फील्ड कि एभोरिया ग्रेन आपण केबे किणी चंदी कि एभोरिया साइज रो ग्रेन आपण केबे निजो खेतरे चास करचंदी कि. वाज ही एबल टू हियर एंड सी. से बुढ़ा कृषक जनक देखिबार और सुनिबार समर्थ थिले कि व्हाट वाज हिज आंसर तांकर उत्तर कोन थिला. सो ही कुड हार्डली सी और हियर. से बहुत कम सुनी और देखि परथले. ही आंसर्ड आफ्टर द ग्रेट डिफिकल्टी दैट नीदर ही हैड सोड नॉर रिप्ड सच ग्रेन इन हिज फील्ड. से बहुत कष्ट रे उत्तर देले जे ना से एभले कोन केबे देखि चंदी ना केबे निजो खेतरो काटि चंदी बा बुणी चंदी. ही आल्सो टोल्ड द किंग दैट द ग्रेन्स ही सोस was the size of the grain were as small as it were that time. So ebeka time re jette choto achi grain ba sasyar dana tanko samay re bodhyo seti bodo thila boli raja ko kahile. How did the old peasant's father come to the king. Se old peasant ko bapa raja ko pakho ki bhuli asile. Was he able to see. Se dekhibare samarth thile ki. The old peasant told the king that he would ask his father about such grain. सो से ओल्ड पिजन कहिले जे से तांको बापा को पचारिबे माने प्रथम ओल्ड पिजन कथा कह जाउची. से कहिले जे तांको बापा को से पचारिबे ए ग्रेन विषय रे. सो द किंग सेंट फॉर द ओल्ड मेन्स ओल्ड पिजन्स फादर. तेनु राजा से ओल्ड पिजन को बापा को आनिबा पे ऑर्डर देले. द ओल्ड पिजन्स फादर वाज एबल टू सी. हां से ओल्ड पिजन को बापा माने सेकंड ओल्ड मेन से देखिबारे समर्थ थिले. नेक्स्ट हमें जेबा यूनिट 2 को. हाउ बिग वाज द कॉर्न इन हिज फादरस टाइम. तो तांको बापा को समय रे कॉर्न रो साइज केते बड़ थिला. इन हिज फादर्स टाइम द कॉर्न ऑफ द साइज ऑफ द कॉर्न वाज एज स्मॉल एज इट वाज इन हिज टाइम.
तो तांको बापांको समय रे को बले साइज रो कोन थिला जत्ते बड साइज तांको समय रे थिला तो ता भितरे कोनसी चेंज नथिला. रीड द लाइन दैट डिस्क्राइब द ओल्ड मेन्स ग्रैंडफादर. सो जे हमें लेखिबू जे को लाइन ओल्ड मेन माने से जो ओल्ड पीजन को ग्रैंडफादर को विषय रे कहा जाय छी को लाइन रे. ही एंटर्ड वॉकिंग इजीली एंड विदाउट क्रजेस. से बहुत इजीली स्मूथली चली चली आसिले राजदरबार को विदाउट एनी क्रजेस बिना कोनसी आशावाड़ी साहाज्य रे. His eye was clear, his hearing good, and he spoke distinctly. तांका आखिरे पूरा clearly देखा जाऊ थिला. से बहुत भलो भाबे सुनी पार थिले and से बहुत clearly कही मध्य पार थिले. What was the grandfather's reply to the king's question? Grandfather को उत्तर कौन थिला राजांको प्रश्न. So the grandfather replied to the king that in his time, पिलामेटी भूल अच्छी, kindly correct it. Corn used to grow in large size. पिलामेटी डे large size लिखाई जी, वो तोड़े लिखी दूं जाऊँ तेरे. In large size. So से grandfather answer दिले जे तांको समय रे corn size बड़ा थिला. In fact, he also shown and reaped the same kind of grain in his field. से ए भैया बड़ा साइज रो कॉर्न निजो फसल निजो क्षेत्र रे चासो करचंदी आ काटीचंदी ए भैया फसल. He lived on that corn. से ए भैया शस्य खाई के ही बड़ा ही चंदी. Did the people in grandfather's time buy or sell bread? Grandfather को समय रे लोक माने फसल माने ब्रेड किणीबा कथा खाद्य सामग्री को किणुतले आ बिकुतले की. No people in grandfather's time did not do the sin of buying and selling the bread. ना ग्रैंडफादर को टाइम रे जो लोक माने खाद्य सामग्री को किणीबा बा बिकिबा भुरे पाप करिबा कथा चिंता मध्य कोन नथले. सिन रो अर्थ होची पाप. वाज द लैंड फ्री ड्यूरिंग दिस टाइम. सेतेबेले जमी फ्री थिला की. से द लाइन दैट सजेस्ट. सो यस लैंड द लैंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रैंडफादर वाज फ्री. हां ग्रैंडफादर को समय रे जो लैंड थिला बा जमी थिला ता फ्री थिला. द फॉलोइंग लाइन सजेस्ट द आईडिया. ए लाइन गुडी को या विषय कहिची. माय फील्ड वाज गॉड्स अर्थ. Wherever I plowed, there was my field. Land was free. It was a thing no man called his own. Labor was the only thing men called their own. So, I already told you about this thing. Still, author coaching. My field was God's earth. So, my grandfather said, "I mean, the third old man said, 'Old peasant, that my land was God's earth. Wherever I plowed, whatever I planted, there was my field. So, particularly, nijo field bole kichi concept na thila." लैंड वाज फ्री. जमी से फ्री थिला. इट वाज अ थिंग नो मैन कॉल्ड हिज ओन. केही गोटे जमी को निजरो बोली से कही पर नथिले. लेबर वाज द ओनली थिंग मैन कॉल्ड देयर ओन. केवल लेबर को कठिन परिश्रम को लोक माने निजरो बोली कहउथिले. व्हाट वर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग. राजांकर शेष प्रश्न कौन थिला. शेष दुईटी प्रश्न कौन थिला. द किंग आस्क्ड टू क्वेश्चंस टू द ग्रैंडफादर. राजा से ग्रैंडफादर को दुईटी प्रश्न पचारथिले. The first question was, why the earth did bear such grain in grandfather's time and has ceased to do so now, ceased to do so in the present time. तो राजा प्रथम प्रश्न पचार थिले जे काही की अर्थ सेते बड़े एते बड़ो बड़ो कॉर्न रो दाना दो थिला आउ एबे आमो समय रे दबा बंद कर देछि. सीज्ड अर्थ होची बंद कर दबा. एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज आउ सेकंड प्रश्न कोन थिला. हाउ इवन एट हिज एज ही कुड एबल टू वॉक. जे तांको बयस रे भी से किभळि बिना आशा बडरे चालिबार समर्थ होचंती परली देखिबार सुनिबार समर्थ होचंती. वेयर एज हिज ग्रैंडसन यूज टू क्रचेस एंड हिज सन वन क्रच. जेतेबेले की तांको ग्रैंडसन दुईटी क्रच यूज करथले चालिबा पई आउ तांको सन तांको पुओ जे गोटे क्रच धरि के आसीथिले. नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट रिप्लाइड डिड द ग्रैंडफादर गिव. राजांगरो एही प्रश्न रे ग्रैंडफादर कोन रिप्लाई देथिले बा कौन प्रति उत्तर देथिले. द ग्रैंडफादर रिप्लाइड दैट मेन इन द प्रेजेंट टाइम्स हैव स्टॉप्ड टू लिव बाय देयर ओन लेबर. सो ग्रैंडफादर उत्तर दे देथिले जे मनीष आज कल प्रेजेंट टाइम रे माने वर्तमान युग रे मनीष निज परिश्रम रे बंचिबा बंद कर दिछि एंड आर डिपेंडेंट ऑन द लेबर्स ऑफ अदर्स. सब बेले अन्य मानको परिश्रम उपरे लोक माने बे डिपेंड करचोंदि को भले आमे लोकंकर जमी बाड़ी छोड़े कि नबा बा लोक मानको लोक माने परिश्रम करिवे तांको परिश्रम रो फल आमे पाइबा. ए भले भाबर लोक माने चिंता करचोंदि. In his time, तांको समय रे, they lived according to the God's law. तांको समय रे से माने भगवान को नियम माने चलो थे, and they earned from their
efforts and not from others. समाने जहाँ भी किसी earn करुँथिले, जहाँ भी किसी रोजगार करुँथिले, निजो परिश्रम रहे ही करुँथिले, not from others. समाने अन्य मनुष्य को परिश्रम को केवल लक्ष्य करुँथिले. Now answer the following questions in about 50 words. 50 word भीतरे अमें ये प्रश्नों गुड़ी करो उत्तर अबे दबा. How did the grain of corn reach the king? शस्य दानाटी राजाको पाखकु किभळी पहुंचिला. One day some children found a thing shaped like a grain of corn with a groove down in the middle in a ravine. पिला माने आरे व्याई एनी होबो. सो दिने कोन हेला किछि पिला गुडे संकीर्ण गुडे उपत्यकार संकीर्ण स्थान रे खेळुथिले से जगह रे से माने गुडे grain of corn माने गुडे शस्य दाना को पाइले जहा कि मझरे गुडे groove थिला माने गुडे शस्य ए भलिया ता मझरे गुडे कटा जागो थिला जेंति हमर गहम रे थाय. The grain of corn was large as hen's egg. The grain of corn ti sosir dana ti kukuda unda size ra thila. A traveler who was passing by saw the thing and brought it from the children by giving them a penny. To sei rasta dekhi jone pathiko ba jone jatri jauthile je ki se pilaman ko pakharu se gote penny dekhi. Penny hochi England ra currency ko penny boli kuha jae. So gote penny dekhi se pilaman ko pakharu se sosir dana ko nei asile. He then took that thing to the town. तापरे से town को नेकी गोले से दाना को and sold it to the king as a curiosity. राजा मध्य जिनसे को किन्हीं आपने बहुत curious थिले बाबू बहुत कोतवाल थिला तंगो मनरे तो से लोको मध्य town को नेकी एजेंसो को राजा को पुनी तरह बिक्री कर दले. This is how the grain of corn reached the king. ये बड़े भाबरे से सोसेल दाना टी राजा को पाको को पहुंचिला. I hope you understood. Next question हमें देखिबा. How did the wise men know that it was a grain of corn. So ज्ञानी लोक माने किभळे जानिले जे हा गुडे शस्य दाना अटे बोले शस्य दाना थिला. The king wanted to know what that thing was. राजा जानिया को चाहुतले से जिंसडी प्रकृतरे कोन अटे. To know what exactly it was, he called his wise men to find it out. So प्रकृतरे जिंसडी कोन बोली जानिबा पई से तांको ज्ञानी लोक मानको डाकिले औ ता विषय रे खोज खबर करिया पई कहिले औ ता विषय रे खोजिया पई कहिले. The wise men thought, but all in vain. जो हमारा बहिरी गई थी ला, they could not find head or tail of it. That means all in vain. So हमारे बहुत चिंता को ले, बहुत खोजी ले, but सबू किसी व्यर्थ चली गला. It was one day, दिने कौन हेला, when the thing was lying on a window sill, दिने से जिंसोटी उटे window sill ऊपर थी ला, झरका रही थी ला, a hen flew in, उड़े कुकड़ा उड़ी क्या सिला, and pecked at it, till she made a hole in it. तबरे खूंपी किसी कुकड़ा टी, से grain of corn ने उटे कोना कर दिला. It was then tapore everyone saw samaste dekhile and got to know that au janiba ku paile je it was a grain of corn je ha gute sasyar dana ote. Next question dekhiba ame. What suggestions did the learned men give to the king to find out when and where such corns had grown? So ko suggestion dele raja learned men mane gyani loko mane raja ku ko suggestion dele je ko bhari babare आपणकर जो मन रे ए प्रश्न अछि कोन को लेगी आपण ता उत्तर पाई पलिबे. सो द किंग वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट थिंग वाज ग्रेन ऑफ कॉर्न दैट द थिंग वाज ग्रेन ऑफ कॉर्न. राजा जानि के आश्चर्य हे गले जे ए जिंसटी गुडा ग्रेन ऑफ कॉर्न अटे औ एत्ते बड दाना. ही वांटेड टू नो व्हेन एंड वेयर सच काइंड ऑफ ग्रेन हैड गॉन हैड ग्रोन. से जानिबा को चाहिले जे एत्ते बड शस्य दाना केउठी औ केबे ग्रो करा जाउथला. He then ordered the learned men to find out about it. तापरे सितांगो learned men मनुगु ज्ञानी लोको मनुगु आदेश देले ए जिनसो विषय रे खोजिवा पाई. The learned men thought over and again and even searched in their books. से ज्ञानी लोको माने बहुत चिंता कले ता विषय रे जो बहिरे मध्य खोजिले but they could not find the answer. किंतु समान तारो उत्तर पाई परिले नाही. They suggested the king that समान राजन को सजेस्ट करिले that it would be better if the king asked the peasant about the grain. राजा को समने सजेस्ट करले जे भलो होबो आपण जदी कृषक मान को ए ग्रेन विषय रे पचारोंदी होय तो समने आपण को प्रश्न उत्तर देई परिले. नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट वेयर द रिप्लाई इज गिवन बाय द ओल्ड पीजेंट एंड हिज फादर रिगार्डिंग द कॉर्न. सो से जो ओल्ड पीजेंट जे की प्रथम पीजेंट थिले एंड हिज फादर माने सेकंड पीजेंट कॉर्न विषय रे बा कॉर्न संबंध रे तांकर मत कौन थिला उत्तर कौन थिला. द किंग वांटेड टू नो फ्रॉम ओल्ड पीजेंट एंड हिज फादर हाउ एंड वेयर दैट लार्ज कॉर्न हैड ग्रोन. सो राजा जानिया पे चाहुतिले जो ओल्ड पीजेंट आउ तांको बापांको ठारु जे एत्ते बड़ साइज रो कॉर्न केबे आउ केउ ठारे ग्रो करा जाउथिला.
both of them replied saying that dui jan sara gar uttar gote thila they did not sow or reap such kind of corn in their fields se mane nijo khetore kebe bi ebhaliya fasal buni nathile ki kati nathile old peasant's father told the king that his father might know where and how that large corn had grown so old peasant kor father king ko kon korile जे हुए तो मो बापा जानी थे माने प्रथम पिजन करो ग्रैंडफादर को कथा एटी कहा जाउची बोध हुए से जानी थे जे एते बड़ो साइज रो कॉर्न कोटी ग्रो होतला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हाउ वेयर द थ्री ओल्ड मेन इन द स्टोरी डिस्क्राइब्ड तीन जण बूढ़ा लोगों को विषय रे स्टोरी रे किबो भाव रे वर्णना करा जाई छी सो द थ्री ओल्ड मेन इन द स्टोरी आर द थ्री जनरेशंस ऑफ द सेम फैमिली सो व्हाट अ स्ट्रेंज एंड व्हाट अ कोइंसिडेंट सो तीन जन जो लोक डकई देला तीन जन पीजेंट को से गोटे ही फैमिली रु बिलोंग करती और तीनोटी जनरेशन तीनोटी पीढ़ी द फर्स्ट ओल्ड मैन इज अ पीजेंट हुज पोस्चर वाज बेंड जो प्रथम ओल्ड मैन जे आसीथिले से पूरा नोई जाइथिले हिज स्किन वाज एशी पेल एंड वाज टूथलेस तांको दांत नथिला एंड एशी पेल देखा जाउथिले माने बहुत लाइफलेस देखा जाउथिले बा बहुत सेता देखाउथिला तांको मुह और टेकिंग क्रचेस इन हिज हैंड ही वॉकड टेकिंग से दुईटी क्रच बा दुईटी आशावाड़ी धरिकी निज हाथ में आसिले ही कुड हार्डली सी और हियर से बहुत कम देखी और सुनी पारथले द सेकंड ओल्ड मैन वाज द फर्स्ट पिजन्स फादर सेकंड ओल्ड मैन जे थिले से प्रथम पिजन को बापा थिले ही कुड हियर वेल देन हिज सन तांको पुओ को थारो बेटर सुनी पारथले से ही वॉकड विथ हैविंग वन क्रच विथ हिम गोटे ही क्रच रो सहायता से चली के आसिले देन द थर्ड ओल्ड मैन वाज द सेकंड ओल्ड मैनस फादर माने प्रथम ओल्ड पिजन करो जेजे बापा लास्ट रे आसीले जे कि थर्ड ओल्ड मैन थिले द फर्स्ट पिजन्स ग्रैंडफादर तंगर ग्रैंडफादर से थिले बा जेजे बापा थिले द थर्ड ओल्ड मैन डिड नॉट हैव एनी क्रचेस एंड वॉक इजीली से बिना कोनसी क्रच रे विदाउट एनी क्रच रे से चली के आसीथिले बहुत इजीली ही हैड क्लियर विजन तंगो दृष्टि शक्ति पूरा क्लियर थिला से बहुत क्लियरली देखि पारथिले एंड कुड हियर प्रॉपर्ली आउ बहुत भलो भाबे सुनी मध्ये पारथिले एंड इज स्पोक डिस्टिंक्टली आउ क्लियरली कथा मध्ये कहि पारथिले आउ दुईटी क्वेश्चन अछि हम डिस्कशन करबा ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल ड्यूरिंग ग्रैंडफादर्स टाइम शॉर्ट रे डिस्कशन करो जे ग्रैंडफादर को टाइम रे लोक मानकर जीवन शैली को भले बारे थिला द पीपल ड्यूरिंग द ग्रैंडफादर्स टाइम वेयर हार्ड वर्किंग सो ग्रैंडफादर को समय रे लोक माने बहुत कठिन परिश्रमी थिले दे लेड ए सिंपल लाइफ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनीथिंग से माने गोटे सिंपल लाइफ लीड करथुले माने बंचुथुले कहाँ ठारु से माने कोनोसी आशा रखु नथुले दे वर्कड हार्ड से माने कठिन परिश्रम करथुले इन देयर फील्ड्स तांको क्षेत्र से माने कठिन परिश्रम करथुले एंड नेवर कॉल्ड इट देयर बट निजर बोली केबे से खेतो कहि नथुले दे नेवर डिक्लेयर देमसेल्व्स एज द ओनर्स से माने केबे भी से क्षेत्र ओनर बोली निजो को कहि नथुले दे लिव्ड अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द गॉड से माने भगवान को नियम माने कि चालुथुले दे नेवर वांटेड something that was of others se mane anyaru jinso upare kebele kebe lakhya rakhunothile ba anyaru jinisa se mane kebe chahunothile they produced their crops se mane nijara fasal nije produce korthile and gave it to others too aw anya manaku modhe douthile they worked without any expectation of money in return se mane kathina parisam korthile but ta pratibadala re se mane paisa ra asha rakhunothile the people were so simple se tole lok mane bahut sarala thile that they never bought or sold their bread for the sake of money paisa pai nijar khadya ko samane kebe biku nathile au ei jinsa ko samane gote papa boli manuthile so now let's proceed to the last question what comment did the grandfather give on the lifestyle of people today grandfather ebe ka lokoman ko jivan shaili upare kon koi jati grandfather was a wise man and he lived a simple life grandfather jane simple loko thile se bahut wise bahut चालाक लोक थिले आ उरे सिंपल लाइफ से बंचुथिले हिज थॉट्स रिफ्लेक्टेड ऑन हिज हेल्थ तांको चिंताधारा तांको स्वास्थ्य रे रिफ्लेक्ट होतला क्लियर जणा पडतला ग्रैंडफादर सेड दैट टुडेस पीपल आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर क्रॉप्स आ ग्रैंडफादर एहा मध्ये कहिले जे आजिकाली लोक माने क्रॉप पई शस्य पई अन्य मानको पर डिपेंडेंट होचंती नाउ द पीपल मेक अदर्स वर्क हार्ड इन द फील्ड्स एंड डिपेंड ऑन देम फॉर देयर प्रोडक्शन लोक माने एबे अन्य मानको पर डिपेंडेंट रहउचंती जे सेमाने केबे हमकु कठिन परिश्रम करके अमल आनी देबे जहाँ को आमे बिकी कि आमे पैसा रोजगार करिबु पीपल सीम टू बी लेस हार्ड वर्किंग इन दिस डेज लोक माने आजकल कम
हार्डवर्क करुँचे कठिन परिश्रम करें गोटे छोट एक्टिविटी देखिए देखा हियर आर सम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस गिवन इन द बॉक्स चूज द राइट वर्ड्स और एक्सप्रेशन टू फिल इन द फॉलोइंग डायग्राम सो प्रथम जो फर्स्ट ओल्ड मैन आसते विषय में कौन लिखाई देखा टूथलेस दात ना टू क्रचे दुईट क्रच आसते एशी पेल लुक्स कथी कह ओल्ड एंड बैंड देन फादर आसते ही केम विथ वन क्रच स्टिल एबल टू सी हियर बेटर हार्ड बेटर पुओं से भल शुणी पारे देन जो थर्ड ओल्ड मैन आसते जी फर्स्ट ओल्ड मैन ग्रैंडफादर थे हिज क्लीयर आईज आईज वाज आईज वेर क्लीयर विदाउट क्रचेस बिना कौन से आशा बटे आसते स्पोक डिस्टिंक्टली हियरिंग गुड बहुत क्लीयरली से स्पष्ट भाव में कथ कही पारे कान को ठीक से शुणा जाऊला सो दिस मच इट फॉर टुडेज वीडियो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल डू लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट येट ऑल्सो डू चेक आउट माई चैनल लिटरेचर लाइब्रेरी फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो